अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ हमजा मुमताज़ और आज मैं लेने जा रहा हूँ 9th क्लास के मैथ्स का 15th लेक्चर। व्यूअर्स, हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानेब बढ़ेंगे, जिनमें हमें जो दिया गया है वो हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं जिनका ऑर्डर है 3 बाई 2, मतलब इन दोनों के ऑर्डर सेम है। हम इन्हें ऐड भी कर सकते हैं, सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब रिक्वायर्ड हमें क्या है, हमें इससे मांगा गया है टू फाइंड 3a माइनस b, मतलब पहले हम a मैट्रिक्स के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर उससे b मैट्रिक्स जो है वो माइनस कर लेंगे। सो सॉल्यूशन की तरफ देखे, सबसे पहले मैंने जो मैट्रिक्स a है उसके साथ मैंने 3 मल्टीप्लाई कर दिया। इसके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है या एंट्रीज है इसके साथ भी मैंने 3 मल्टीप्लाई कर लिया। सो ये देखे, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 मल्टीप्लाई 4, 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 6। यहाँ देखिए, अब 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 3 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 12, 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 15 एंड 3 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 18। अब यहाँ देखिए, 3a मैट्रिक्स तो फाइंड हो गया। अब यहाँ जो आगे है उसमें 3a से मैंने b माइनस करना है। सो यहाँ देखिए, 3a माइनस b, ये 3a जो मैट्रिक्स आया है ये मैंने अपनी जगह लिख लिया। अब b, यहाँ मैंने माइनस का साइन लिखा है क्योंकि यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन कर ली है। सो ये देखे, ये जो b मैट्रिक्स है इसके साथ मैंने इसके जो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो माइनस कर लिए। 3 माइनस माइनस 3, 6 माइनस माइनस 2, 9 माइनस 1, 12 माइनस माइनस 5, 15 माइनस 4 एंड 18 माइनस 3। सो यहाँ देखे, अब 3, ये जो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। सो 3 प्लस 3 आ गया। यहाँ ये 6 माइनस माइनस 2, ये माइनस माइनस भी प्लस हो गया, 6 प्लस 2 आ गया। 9 माइनस 1 8, 12 माइनस माइनस 5, ये 12 प्लस 5 हो गया। 15 प्लस 4 15 माइनस 4, ये 11 आ गया। और 18 माइनस 3 15। यहाँ आंसर की तरफ देखे, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 8, 8 अपनी जगह आ गया, 12 प्लस 5 17, और ये दोनों भी अपनी जगह आ गए। सो ये हमारे पास 3a माइनस b फाइंड हो गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उसमें हमें दो मैट्रिसेस दिए गए हैं a एंड b जिनका ऑर्डर है 3 बाई 3। ऑर्डर को आप डायमेंशन भी कह सकते हैं। यहाँ हमसे मांगा गया है टू फाइंड मैट्रिक्स c सच देट a प्लस 2b इज इक्वल टू c। हमें एक फार्मूला दिया गया है, इसकी मदद से हमने सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है। सी मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए, ये मैंने ए मैट्रिक्स लिख लिया, और जो 2b है तो मैंने बी मैट्रिक्स के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लिया इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 2 मल्टीप्लाई 0। अब यहाँ देखिए, सी इज इक्वल टू 1, 2, ये तो अपनी जगह आ गए मैट्रिक्स। इससे जो आ गया, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 4 8, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 5 10, 2 मल्टीप्लाई 2 4, 2 मल्टीप्लाई 3 6 एंड 2 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाता है वो 0, उसका आंसर 0 आ जाता है। अब देखे, ये जो a और 2b, इसको मैंने पेर ऐड कर लिया क्योंकि यहाँ फार्मूले में इसके दरमियान जो वो है हमारे पास एडिशन। अब यहाँ देखिए, a प्लस 2b, सो इसके करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को अब मैं ऐड कर लूँगा। 1 प्लस 6, 2 प्लस माइनस 2, -3 प्लस 4, 5 प्लस 8, 0 प्लस 4, 2 प्लस 10, 1 प्लस 4 एंड -1 प्लस 6 एंड 1 प्लस 0। अब यहाँ देखे, 1 प्लस 6 ये आ गया हमारे पास 7, 2 प्लस माइनस 2 ये माइनस हो गया, सो ये 0 आ गया हमारे पास। अब यहाँ देखे, -3 प्लस 4 ये हमारे पास +1 आ गया, 5 प्लस 8 ये आ गया 13, 0 प्लस 4 4, 2 प्लस 10 हमारे पास आ गया 12 एंड 1 लास्ट की तरफ देखे, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, -1 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 एंड 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। सो ये इसका आंसर आ गया। हमने इस फार्मूले की मदद से सी मैट्रिक्स को फाइंड कर लिया। ये है हमारे पास सी मैट्रिक्स।
इसके एक शॉर्ट समरी लेते हैं। हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमसे मांगा गया है कि 3a-b को फाइंड कर ले। सबसे पहले मैंने मैट्रिक्स ए के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर बी मैट्रिक्स को मैंने इससे माइनस कर लिया, जिसका आंसर ये आया हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को देखें, यहाँ भी हम दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और हमसे मांगा गया है कि ए प्लस 2b इज इक्वल टू 6। इस फार्मूले की मदद से हमने सी मैट्रिक्स को फाइंड करना है। अब यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने ए लिख लिया और बी को 2 के साथ मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स बी को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसका आंसर ये आ गया। फिर मैंने ए को 2b के साथ ऐड कर लिया, जिसका आंसर ये आ गया। सो व्यूअर्स, ये था हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रही हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे जो वीडियोस हैं उनको शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वस्सलाम।